कल हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एंट्री की जाती है। तो पहले मैंने बोला था कि परचेज की, अगर परचेज करने के लिए रिवर्स चार्ज के केस में जब आप एंट्री करोगे, रजिस्टर डीलर अपनी बुक में एंट्री करेगा तो परचेज करेगा, तो इस तरीके से एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू यूआरडी। उसके बाद वो टैक्स को जनरेट करने की एंट्री करेगा, अगर 5000 रुपये टैक्स लगता है उस पर तो उसकी लाइबिलिटी परचेजर के ऊपर ही आती है, वो टैक्स की लाइबिलिटी वो जनरेट करेगा तो उसकी एंट्री यहाँ पे करेगा। इसके बाद तीसरा जो होगा टैक्स पेमेंट, जो ये लाइबिलिटी जनरेट करी है इसे पेमेंट करने की एंट्री होगी, तो ये पेमेंट कर दी जाएगी। पेमेंट करने के बाद जो आपने टैक्स आपने जमा किया है परचेज के ऊपर, इसका बेनिफिट आप उस मंथ में ले लोगे जिस मंथ आपने ये टैक्स पे किया, फिर उसकी आप एंट्री इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करने की एंट्री करोगे। ठीक है, ये सारी एंट्रीज हम लोगों ने सीखी थी कल मैनुअल, अब इसे हम टैली में देखेंगे। ठीक है, अब टैली में देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो हमने एक कंपनी क्रिएट करी जीएसटी आरसीएम करके कंपनी बनाते हैं, उत्तराखंड, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। हम लोग करेंगे एक केस, रजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर वाला जो केस था वो हमको करेंगे यहाँ पर, उसकी एंट्री पास करके देखेंगे कैसे करते हैं, जो सेम क्वेश्चन वाला था वही वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले जीएसटी इनेबल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे हम। कैसे डालेंगे जीएसटी नंबर? हम लोग डालेंगे वो वाला पीछे से डालेंगे, हमारे पास जीएसटी नंबर है उत्तराखंड का ये, तो हम अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर ये रख लेंगे, तो हम ये जीएसटी नंबर अपना उत्तराखंड का रख लेते हैं अपनी कंपनी का। ठीक है, एंटर एंटर करते हुए, और ये हमारे को अगर नहीं चाहिए वी बिल जनरेट नहीं करना है। इसके बाद इसमें रिवर्स चार्ज वो पूछ रहे हैं, क्या आपके अनरजिस्टर्ड डीलर वाला रिवर्स चार्ज वाली टैक्स की लाइबिलिटी आती है? तो मैंने कहा यस, इसी यस करना है यहाँ पे, और एक्सेप्ट करा देना है। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करा दोगे उसके बाद अब आप पहले तो एंट्री पास करोगे, परचेज करने की एंट्री करोगे, जो आप परचेज करोगे अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो F9 दबा करके परचेज करोगे। पहले डेट डाली मैंने 1 मई को आप एंट्री करोगे, बिल इनवॉइस नंबर डाला, ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, और ये कौन है, रेगुलर है अनरजिस्टर्ड डीलर है, कौन है, तो अनरजिस्टर्ड डीलर आ गया, इसे एंटर करा और एक्सेप्ट करा दिया हमने। ठीक है, एंटर करवाने के बाद यहाँ पे लेंगे परचेज के अंदर जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल सिंपल बिल्कुल सही है, गुड्स एक्सेप्ट करा देंगे। परचेज हमारा जो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे, परचेज टैक्सेबल आइटम हम परचेज कर रहे हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ गया ये, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लेकिन टैक्सेबल आइटम खरीद रहे हैं परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर से। क्या चीज टैक्सेबल आइटम है वो, शर्ट, हम ये पहले कर चुके हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कराया और यहाँ पे इसका रेट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, एंटर करके यहाँ पे रेट दे देंगे 5% और एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमने कितना खरीदा, मान लीजिए 100 खरीदे 1000 का, एक लाख का सामान खरीद लिया। अब अगर मैं इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने की कोशिश भी करूं तो लग नहीं सकता, क्योंकि अगर आप टैक्स एनालिसिस करके देखोगे तब भी नहीं दिखाएगा। देखो टैक्स की लाइबिलिटी तो दिखाएगा कि टैक्स की लाइबिलिटी मेरे पास आ रही है, 5000 में 2500 आ रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। अब मैं जरा एक बार चार्ज करके देखता हूं, इनपुट सीजीएसटी पहले तो आ जाता था अपना, अभी देखना कि नहीं आएगा। मैंने चार्ज करा तो वो देखो नहीं आया, ऐसी मैंने इनपुट चार्ज करके आपको बता रहा हूं, इनपुट एसजीएसटी तो वो भी चार्ज नहीं हुआ, लेकिन यहां पे टैक्स एनालिसिस करके देखोगे तो लाइबिलिटी दिखाएगा कि 2500 की आपके पास 2500 की ये लाइबिलिटी और 2500 की ये लाइबिलिटी, ये आपको पे ऑफ करनी है। तो ये हमारा
एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, तो इससे हमारी लाइबिलिटी जनरेट नहीं हुई है, इस एंट्री से कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं हुई है, तो हमें लाइबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो वो कब करेंगे? महीने के लास्ट में। तो आप जनरल वाउचर में जाओगे और इसकी महीने में के लास्ट में एंट्री करोगे, ठीक है ना। जितनी भी आपने अनरजिस्टर्ड लेने से जो भी सामान खरीदा होगा उसकी एक एंट्री डलेगी लाइबिलिटी इंक्रीज करने की। जितनी भी आपने सामान खरीदे होंगे, जितनी भी लोगों से सामान खरीदे हैं, जो भी लाइबिलिटी आपके पास टोटल आ रही है उसकी एक एंट्री डालोगे आप मंथ के लास्ट में। 31 मई को आप एंट्री करेंगे, और एंट्री करेंगे मैंने जैसे बताया था आपको, ठीक है, टैक्स ऑन यूआरडी का केस है, ये कहाँ जाएगा? करंट एसेट में रखोगे आप, ठीक है, ये आप यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, 5000 बताओगे कि 5000 है, और यहाँ पर आप क्रिएट करोगे, आपने आउटपुट लाइबिलिटी जनरेट करनी है, तो आउटपुट सीजीएसटी ड्यूटीज इंडेक्स इसके अंदर, क्योंकि आपको पे ऑफ करना है ना, तो आप आउटपुट जनरेट करोगे सेंट्रल नॉर्मल राउंडिंग 1, ये मैंने बनाया 2500 पे, तो ये चलेगा इस पे, और आउटपुट एसजीएसटी नंबर ओनली 1 एक्सेप्ट, तो ये 2500 यहाँ पे चल गए। इससे क्या होगा, इस एंट्री से क्या होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे कहां कहां से पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाओगे तो आपके पास एक तो 5000 रुपये देखो लाइबिलिटी यहाँ पे जनरेट होगी, आपके पास ये लाइबिलिटी आ गई, अब आपको पे ऑफ करनी है, और आपके पास करंट एसेट में 5000 रुपये रखोगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे पे ऑफ करना है नेक्स्ट मंथ के पहले, भाई मई का जो टैक्स होता है वो जून में ही पे करा जाता है, तो हम 1 जून को अज्यूम करते हैं, मैं 1 जून को पे करा, तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे और जाकर के ऑल्ट एस करेंगे, क्योंकि स्टेटशीट पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, रिसिपेंट जो रिसिपेंट है उसकी लाइबिलिटी है वो जनरेट पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी 2500 था, 2500 से हम इसे पेमेंट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी 2500 से हम जीरो कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम एसबीआई बना लेंगे, एसबीआई के थ्रू पेमेंट कर देंगे हम, ये हम लोगों ने पेमेंट कर दी, ठीक है। यहाँ पे डिटेल डालनी है तो डिटेल डाल सकते हो कि आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी, बैंक एसबीआई है, चेक सीपीएन नंबर कुछ भी डाल दो, ये आपका चालान नंबर आ जाएगा, ये आपका बीएसआर कोड, ये आपका जो पेमेंट आपने करी है चेक नंबर 6, ये आपकी इंस्ट्रूमेंट डेट, ये आपने डिटेल डाल के एक्सेप्ट करा दिया। तो इससे क्या होगा, अब आपका बैलेंस शीट में देखोगे तो आपकी लाइबिलिटी तो पे ऑफ होगी, लाइबिलिटी तो आपके पास कोई नहीं है, लेकिन आपके अभी भी एसेट रखी हुई है 5000 रुपए की, 5000 की एसेट रखी हुई है जो आपको क्रेडिट लेना है उसका, भाई जो अब आपको एसेट रखी हुई है उसको आप इस महीने जो आपने टैक्स पे किया है उसका आप उसका क्रेडिट लोगे, तो उसको आप क्रेडिट उसका उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको बढ़ाना है, तो आप इसे जनरल वाउचर में जाओगे ऑल्ट जे करके, और सेम डेट पे जिस डेट पे पेमेंट करिए उस डेट पे ऑल्ट जे, पहले तो ऑल्ट जे दबाओगे, जीएसटी आपको क्या करना है, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाना है तो इसे क्लिक करोगे, किसके थ्रू, जो भी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर हुआ है उससे, ये फिर आप यहाँ पे डेबिट क्या कर दोगे, इनपुट सीजीएसटी 2500 से डेबिट कर दिया, इनपुट एसजीएसटी 2500 से डेबिट कर दिया, और यहाँ पर जो आपका टैक्स आपका रखा होता है टैक्स यूआरडी वो आपको खत्म हो जाएगा, जो एसेट सी वो आपकी अवेल कर लिया आपने, तो आपने उसे अवेल कर लिया, ठीक है। ठीक है, इनपुट सर्विस गुड्स पे लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, ये एक्सेप्ट करा दिया हमने। इससे फायदा क्या होगा, अब आप जब बैलेंस शीट में देखोगे तो आपका यूआरडी टैक्स यूआरडी तो खत्म हो गया, हमने यहाँ पे ले लिया, अब जो भी टैक्स हमारा लाइबिलिटी इस महीने की आती रहेगी वो इस 5000 में से माइनस होती रहेगी, फिर उसके बाद इसका बेनिफिट हमें इस साल इस महीने मिल जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स चार्ज की एंट्री थी जो हम लोगों ने करी अभी, समझ में आया? हेलो, यस सर, समझ में आ गया। अब देखो दो तीन चीजें, दो पॉइंट मेरे छूट गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पहला पॉइंट बचा हुआ था, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई सामान सेल कर रहे हो और सेल करते हुए ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन प्रोडक्टों पे ना रेट के बेसिस पे, जैसे रेट के बेसिस पे ही जीएसटी लगता है, जैसे शूज है, अगर आपने शूज बेचे कितने कितने के, अगर जैसे मान लीजिए शर्ट है
शर्ट के ऊपर एक रूल आ रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि भाई 500 रुपए की शर्ट बेचोगे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर 500 से ऊपर लगोगे तो 5% लगेगा। ऐसी होटल के भी बेबी है कि अगर इस तरीके का एक होटल का रूम होगा तो उसके ऊपर इतना परसेंट जीएसटी है, उसके ऊपर अगर इतने अमाउंट का होगा तो उसके ऊपर इतना परसेंट जीएसटी है, तो वो रेट के ऊपर है, तो हमें ये याद तो रहेगा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब टैली में मैं कोई भी एंट्री करूँ तो इसके रेट पे मैं लगा दूं कि जैसे मैंने इसका रेट डाला तो जैसे रेट में डालूं उसके अकॉर्डिंगली उसका जीएसटी का जो कंप्लायंस जो रेट है वो अपना आप उड़ जाए। तो इसे कैसे करते हैं, देखो मान लीजिए मैंने शूज बेचे, क्या बेचे, शूज, तो मैं शूज बेचता हूं, पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है, आप शूज बनाओगे पहले, तो मैंने शूज बनाए, ठीक है, शूज जब आप इसे बना रहे होंगे उसी टाइम पॉइंट पे आपको ठीक रखना है, ठीक है, यहां पर आपको वैल्यू की जगह पे आइटम रेट रख लेना है कि अगर आपको रेट के बेसिस पे चलना है, वैल्यू के बेसिस पे, वैल्यू बेस होता है कि जैसे 1,00,000 का माल बेचा तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाए, लेकिन अब हम आपको बोल रहे हैं कि अब हम आप टैली को बोल रहे हैं कि जब हम शूज बेचेंगे तो उसके रेट के बेसिस पे जीएसटी लगे। तो अभी जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे बताओगे कि भाई अगर 499 रुपए तक का शूज बिका तो उसपे कोई टैक्स नहीं है, नील रेटेड है, 499 से ऊपर तक का हुआ चाहे कितने का ही हो उसको टैक्सेबल है और उस पर 5% जीएसटी लग जाए। तो मैंने ये एंट्री कर दी, एक्सेप्ट करा दिया, गुड्स करके एक्सेप्ट करा दिया। अच्छा इसमें एक चीज है, मैं इसमें जरा ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ शूज, नहीं तो बेचूंगा तो नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा हमारा। मैंने इसे एंटर करते हुए यहाँ पे मैंने डाल दिया कि भाई ये हमारा हमारे पास 100 शूज रखे हुए और हमने खरीदे थे 350 के, हमने एंटर कर दिया। अब मैं इसे बेच के दिखाता हूँ, ठीक है, तो हम इसे सेल करते हैं, कैश बेचा मान लीजिए, ठीक है, और इस पे एप्लीकेबल करके गुड्स सेल हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, और इस पे हमने रेट डाले शूज डाल करके, इस पे हमने डाले कि भाई कि मैंने मान लीजिए 10 शूज बेचे। अब अगर मैं रेट डालता हूं देखो 480, तो इसने उठाया यहां पर, और अगर मैं इस पे जीएसटी लगाऊं आउटपुट सीजीएसटी नहीं लगा, आउटपुट एजीएसटी नहीं लगा, लेकिन अगर मैं इसके रेट बदल दूं, 499 से ऊपर बोला था ना, अगर मैं इसके रेट बोल दूं 520 कर दूं तो देखो ऊपर नीचे जीएसटी लग गया। तो ये रेट के बेसिस पे फिक्स कर दिया हमने कि जैसे जैसे उसके रेट होंगे उसके बेसिस पे। तो कुछ प्रोडक्ट पे ऐसा है जैसे शूज पे यही रेट है कि 499 तक का शूज बेचोगे तो उस पर जीएसटी नहीं है, ये समझ में आया, हेलो समझ में आया। एक और चीज समझो, जैसे मान लीजिए शर्ट बेची, देखो मैंने मान लीजिए शर्ट बेची किसी को, मान लीजिए मैंने कैश सेल करी, और मैंने जब सेल कर रहा था तो मैंने यहाँ पे बेचा शर्ट, तो मैंने मान लीजिए शर्ट बेची 50 और एक शर्ट बेची मैंने 1500 की, तो 1500 की जब मैंने शर्ट बेची तो उन्होंने कहा सर, मैंने बोला भाई देखो इस पे और चार्जेस भी लूंगा, मैं फ्रेट लूंगा 1000 रुपये, ठीक है ना, और आपका कैरी पैकिंग चार्जेस लूंगा 1000 रुपये, और 1000 रुपये का डिस्काउंट भी लूंगा। तो जीएसटी देखो 7500 है, तो जीएसटी कितने अमाउंट के ऊपर लगना चाहिए, देखो 7500 तो यही है, 1000 रुपये मैंने पैकिंग चार्जेस लिए, 1000 रुपये मैंने, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा या फिर सिर्फ इसी अमाउंट के ऊपर लगेगा, जीएसटी जो लगता है टोटल अमाउंट पे लगता है, नहीं टोटल पे लगता है, ठीक है टोटल पे लगता है, और जीएसटी उस पर लगेगा क्या, जैसे मैंने बोला यहाँ पे पैकिंग चार्जेस 1000 रुपये, डिस्काउंट 1000 रुपये, और मैंने बोला फ्रेट 1000 रुपये, तो अब वो जो जीएसटी लगेगा 75,000 प्लस 1000 प्लस 1000 76,000 माइनस 76, तो 76,000 के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। अब वो 76,000 के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, जो शर्ट के ऊपर लगता है वही, या इनके ऊपर अलग अलग लगेगा, वो केस आता है। तो ये रूल ये बोला गया है जीएसटी में कि जो भी आप आइटम बेच रहे हो वो टोटल का अमाउंट वो इस पे जुड़ जाए, और जीएसटी वही लगे जो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल गुड्स जो है जिसके वजह से वो सारी चीजें बिक रही है, फ्रेट
कैरेज जिस वजह से वो चार्ज हो रहे हैं, जो उसके ऊपर रेट लगता है वो उसके ऊपर भी लगे। तो ये कैसे किया जाता है, देखो आप यहाँ पे बनाओगे पैकिंग चार्जेस, ये कैसे करा देखो, पहले मैं देख लो, पहले मैं यहाँ पे एंटर करते हुए क्या, एक बार एंटर मारा, फिर एक बार एंटर और दबा, फिर उसके बाद यहाँ पे बनाया मैंने पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस जो कि मेरे कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये इसकी वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू होगी वो मेरी इस 75,000 की वैल्यू पे इंक्लूड हो गया, उसके बाद जीएसटी लगे, तो आप इसे बोलोगे नॉट एप्लीकेबल। जैसे नॉट एप्लीकेबल को नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू इन कैलकुलेशन, पूछ रहे कि क्या इसकी वैल्यू इंक्लूड हो जाए एसेसेबल जब जीएसटी चार्ज हो तो उसमें, तो मैंने कहा हाँ यस, गुड्स यस, वैल्यू बेसिस में यस, एंटर करोगे तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1,000 रुपए, मैंने लिया फ्रीड, सेम चीज में भी करेंगे कि इसकी वैल्यू भी इंक्लूड हो जाए तो नॉट एप्लीकेबल, फिर जीएसटी, गुड्स वैल्यू, एंटर करोगे 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए ये चार्ज करें। अगर मान लीजिए कभी कभी आपका बॉस बोलता है नहीं नहीं जितना वैल्यू ऑफ फ्रेट हमने चार्ज किया उसका 1%, तो एंटर करोगे तो 1050, ठीक है, और अगर वैल्यू डालना चाहो तो वैल्यू भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसकी वैल्यू भी हमारी इंक्लूड होनी चाहिए, तो हमने इसे इंक्लूड करा, गुड्स वैल्यू सेम चीज करी। अब इसमें हमारे को माइनस करना है, माइनस 1000 का डिस्काउंट देना, तो माइनस 1000 लिखा, तो अब ये वैल्यू कितने आ गई देखो नीचे, 75,750, तो इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। तो अब हम चार्ज करेंगे, देखा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अगर हमें चेक करना है कि आखिर ये जो लग के आया है वो किसके ऊपर लगाया, तो आप इस टैक्स एनालिसिस करके देखो तो पता चल जाएगा, तो यहाँ पर डिटेल में खोलो इसे तो आपको पता चल जाएगा 75,000 की वैल्यू थी जिसमें 1,000 रुपए ऐड हुए, फिर 750 ऐड हुए, 1,000 रुपए माइनस हुए, तब जाके वैल्यू आई, इसके ऊपर 2.5% और 2.5% लगा, तो हमारा ये वैल्यू ऐसे करके आती है। अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई इसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा खर्चे भी डर लग रहे हैं तो उसका लेजर इस तरीके से बनाना है और इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। हेलो, यस सर, आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट है तो पूछो सर। ये नहीं, फ्रेट जो होता है ना वो उसपे अलग से अगर आप कर रहे हो तो वो तो कोई बात नहीं, जैसे अगर आप मान लीजिए मैंने किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को बोला कि मेरा माल इधर से उधर ले जाओ, वो तो अलग है, ठीक है ना, वो मुझसे जो चार्ज करेगा वो अलग है। लेकिन मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं किसी को माल भेज रहा हूँ और मैं जो चार्ज करूंगा, ठीक है ना, तो उस केस में फ्रेट के ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो जो वैल्यू जो फ्रेट की वैल्यू होगी वो मेरे प्रिंसिपल जो मेरे जिस वजह से वो फ्रेट चार्ज हो रहा है उस पे वैल्यू पे ऐड हो जाएगा, उसके बाद जीएसटी चार्ज होगा। फ्रेट पे होते हैं लेकिन वो उसके लिए, जैसे जब मैं कोई माल किसी से भिजवा रहा हूँ तो वो मुझसे जो चार्ज करेगा वो मैंने रिवर्स चार्ज के केस में बता दिया था आपको, जीटीएस सर्विसेज के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं सेलर हूँ और मैं क्लाइंट से चार्ज कर रहा हूँ कि मैं जो माल तुम्हारे पास माल भेजा हूँ उसमें फ्रेट भी चार्जेस आपको इतने मुझे देने पड़ेंगे आपको, तो उस केस में मेरी सेल की वैल्यू में वो इंक्लूड हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की वैल्यू और उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा होगा वही लग जाएगा उनको, ठीक है। ये हम जीएसटी जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसे हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई से, इसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई करना। आप बताओ क्या कर रहे थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे तो है ना सर जीएसटी, जो सर्विसेज होता अलग से, हाँ जी बुक में पढ़ा था मैंने, है नहीं, देखो अलग से नहीं है वो, उसके ऊपर उसी में इंक्लूड होगा इंस्टॉलेशन में। जैसे मान लीजिए आपने एसी है, अब आपने एसी किसी के यहाँ लगाया, आपने उससे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लिए, तो वो उस वो जो इंस्टॉलेशन हुआ वो किसकी वजह से करा, जब आपने एसी लगाया तभी तो इंस्टॉलेशन करा है ना, तभी तो चार्ज करे वो, तो इसलिए वो जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस होंगे वो आपके उसी एसी के उसमें कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, और जो एसी के ऊपर जीएसटी लग रहा होगा वो इस पे लगेगा। इसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, कि जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर बेच रहे हो और किसी एक चीज के वजह से वो दूसरी बाकी सारी चीजें बिक रही हैं, तो जो उस प्रिंसिपल सप्लाई पे जीएसटी लगता है वो पूरे पैक पे लगेगा जीएसटी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपको किसी ने बोला यार मेरे पास आ जाना यार मेरा ना इंस्टॉल कर देना, खाली इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया उसने कि भाई इंस्टॉल कर देना, तो आपने उससे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मांगे, तो इंस्टॉलेशन के ऊपर जो जीएसटी लगता है फिर वो लगेगा, तब वो लगेगा, ठीक है, खाली अगर इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया तो, ठीक है जी सर, चलो ठीक है। और कुछ सर, वो कैपिटल गुड्स नहीं है जैसे का बता रहे हैं आप, कैपिटल गुड्स के